ऋषिकेश खूबसूरती और शांति का समागम है, एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां से चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश के वातावरण में लोग मन की शांति की खोज के लिए आते हैं। हिमालय की गोद से बहती हुई गंगा सीधे ऋषिकेश में ही आती है। मन की शांति के साथ साथ यहाँ लोग माँ गंगे के गुणगान के लिए भी आते हैं। ऋषिकेश का शुद्ध वातावरण उसको योग की राजधानी भी बनाता है। गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता हुआ लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की शोभा को और भी बढ़ा देता है। गंगा नदी से 450 फीट की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्मण झूले की स्थापना सन 1939 में हुई थी। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को पार करने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। इस झूले के आसपास ही कई मंदिर स्थित हैं, जहां हर समय ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लक्ष्मण झूले से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है राम झूला। यह झूला पौड़ी और टिहरी गढ़वाल को जोड़ता है। गंगा नदी से 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झूले की स्थापना सन 1986 में हुई थी। राम झूले से कुछ ही कदम की दूरी पर नजर आता है ऋषिकेश का बाजार, जहां पूजा सामग्री, भगवान की मूर्तियां से लेकर सभी जरूरत की चीजें देखने को मिलती हैं। बाजार में खरीदारी के साथ साथ खान पान की भी व्यवस्था है। ऋषिकेश के प्राचीन और मशहूर चोटीवाला रेस्टोरेंट में आकर देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ के लजीज खाने का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ के होटलों में भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही चखने को मिलता है। चोटीवाला रेस्टोरेंट के पास ही स्थित है ऋषिकेश का सबसे पवित्र घाट त्रिवेणी घाट। कहा जाता है कि प्रसिद्ध राजा भागीरथ की कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने अपनी जटा खोल दी और तभी धरती पर गंगा नदी का समावेश हुआ। हिंदू धर्म में गंगा को एक सिर्फ एक नदी का ही नहीं बल्कि माँ का ओहदा दिया गया है। लोगों में ऐसी आस्था है कि मानव जीवन में एक बार गंगा के पावन जल में स्नान जरूर करना चाहिए, जिससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं। माना यह जाता है कि त्रिवेणी घाट पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आकर मिलती हैं। यहाँ लाखों से भी ज्यादा की संख्या में लोग पिंडदान करने आते हैं। रामायण और महाभारत से जुड़े चित्र गीता भवन की दीवारों पर लगे हैं, जो कि इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ रहने वाले भक्त न सिर्फ गंगा के पावित्र जल में डुबकी लगा सकते हैं बल्कि संतों के प्रवचन भी सुन सकते हैं। यहाँ आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलती हैं, जो कि हिमालय से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटी और गंगा के पवित्र जल से मिलकर बनाई गई हैं।
आस्था और श्रद्धा के अलावा ऋषिकेश एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ बंजी जंपिंग और राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेने आते हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म और आस्था की बात करें, माना जाता है कि फूलों की टोकरी में जगमगाते दियों को गंगा में बहाकर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद जगाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऋषिकेश में।